पूरी दुनिया के सामने मंदी का खतरा गहराता जा रहा है। ग्लोबल एजेंसियां इस बात की अब तस्दीक करने लगी हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने साफ कहा है कि मंदी का खतरा इतना बड़ा है कि 2026 तक इससे दुनिया की इकोनॉमी को 4,00,000,000,000,000 का झटका लग सकता है। इसे ऐसे समझ लीजिए कि जर्मनी की पूरी अर्थव्यवस्था के बराबर ये लॉस है। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिनिया जॉर्जिवा ने कहा है कि हालत सुधरने की बजाय और बदतर होते दिख रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रूस यूक्रेन की जंग और कोविड महामारी के बाद अनिश्चितता बेहद बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि इसके चलते दुनिया को और ज्यादा आर्थिक झटके झेलने पड़ सकते हैं। दुनिया के मंदी में जाने की आशंका इतनी बड़ी है कि IMF अगले हफ्ते 2023 के लिए ग्लोबल ग्रोथ प्रोजेक्शन को दूसरी बार घटाने जा रहा है। जुलाई में IMF ने 2023 के लिए ग्लोबल ग्रोथ अनुमान को 70 बेसिस पॉइंट घटाकर 2.9% कर दिया था। साथ ही 2022 के लिए इसे 40 BPS घटाकर 3.2% कर दिया था। जॉर्जिवा ने कहा है, हमारा अंदाजा है कि दुनिया की करीब एक तिहाई अर्थव्यवस्था वाले देशों को इस साल या अगले साल कम से कम 2 तिमाहियों तक कॉन्ट्रैक्शन देखना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्शन यानी नेगेटिव ग्रोथ। उन्होंने ये भी कहा, अगर ग्रोथ पॉजिटिव भी रहे तो ये मंदी के जैसा होगा, क्योंकि रियल इनकम में गिरावट और कीमतों में तेजी का दौर रहेगा। पूरी दुनिया में बने खराब हालत का असर भारत पर भी पड़ने की आशंका है। पिछले कुछ हफ्तों में कई एजेंसियों ने भारत के ग्रोथ फोरकास्ट घटा दिए हैं। अब वर्ल्ड बैंक ने भारत का ग्रोथ अनुमान में पूरे 1% की कटौती कर दी। वर्ल्ड बैंक ने 2022-23 के लिए भारत का GDP ग्रोथ फोरकास्ट घटाकर 3.5% कर दिया है। पहले वर्ल्ड बैंक ने 7.5% ग्रोथ रहने की उम्मीद जताई थी। वर्ल्ड बैंक ने भी रूस और यूक्रेन की जंग और ग्लोबल लेवल पर मॉनेटरी टाइटनिंग का भारत की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ने की आशंका जाहिर की है। हालांकि भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन ने इकोनॉमिक टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि भारत 7% ग्रोथ हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत घरेलू खपत है। हालांकि दुनिया के सामने फिलहाल कई चुनौतियां हैं, इनमें बढ़ती महंगाई, इससे लड़ने के लिए दुनिया भर में ताबड़तोड़ बढ़ाई जा रही ब्याज दरें, रूस यूक्रेन की जंग और फूड सप्लाई जैसे परेशानियां शामिल हैं। IMF की जॉर्जिवा ने कहा कि पुरानी विश्व व्यवस्था में देश नियमों को मान रहे थे, तब ब्याज दरें कम थी और महंगाई निचले स्तर पर थी, अब ये पूरा माहौल बदल गया है। उन्होंने कहा कि यूरोप, चीन और अमेरिका जैसी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं सुस्त पड़ रही है, इससे इमर्जिंग और विकासशील देशों के लिए निर्यात करना मुश्किल होगा। भारत की अगर बात करें तो पिछले कुछ महीनों में कई एजेंसियों ने देश के ग्रोथ फोरकास्ट में कटौती की है। हाल में ही नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO ने अप्रैल जून तिमाही के लिए 13.5% ग्रोथ बताई थी, जो कि इससे पिछली तिमाही के मुकाबले 4.1% ज्यादा थी। हालांकि ये रिजर्व बैंक के 16.2% के अनुमान से कम रही। SBI ने 2022-23 के लिए देश की ग्रोथ का अनुमान पहले के 7.5% से घटाकर 6.8% कर दिया है। सिटी बैंक ने इसे 8% से कम कर 6.7% कर दिया है। इसी तर्ज पर गोल्डमैन सैक्स ने 2022-23 के लिए देश के ग्रोथ का अनुमान 7.2% से घटाकर 7% कर दिया है। मूडीज ने 2022 के लिए देश की ग्रोथ का अनुमान घटाकर 7.7% कर दिया है, जबकि एजेंसी ने 2023 के लिए इसे और घटाकर 5.2% कर दिया है। IMF ने हाल में ही 2022-23 के लिए भारत ग्रोथ फोरकास्ट पहले के 8.2% से घटाकर 7.4% कर दिया है, जबकि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसे 7.5% से घटाकर 7.2% कर दिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत समेत पूरी दुनिया के लिए इस वक्त सबसे बड़ी जंग मंदी के इस खतरे को टालने की है। अब देखना ये होगा कि दुनिया इस चुनौती से कैसे उबरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्ताक।